पीडीसी करने के बाद आपके अंदर इतनी जुनून आ जाएगी कि आप किसी काम को अब इतनी तन्मयता से इतनी मन से कीजिएगा कि उस काम को देख के अगल बगल आपके लॉज वाले लड़के दंग रह जाएंगे। यहाँ तक कि आपको बताते हैं, यहाँ आने पर आपको बहुत लोग रोकेगा, आपको भाई तक रोकेगा, कहेगा मंदिर जाके तू क्या करेगा, लेकिन यहाँ जाने के बाद चुपचाप आप सुनिएगा और अपने काम को किए जाइए कि हाँ जो भैया बताएंगे, साधना स्वाध्याय संयम और सेवा अगर करते हैं तो दुनिया में कोई आपको माइक लाल पैदा ले लिया है कि आपको रोकने से सफल होने से रोक सकता है। मैंने इसको बहुत करीब से देखा है, ठीक है। और इतना हम इस युवा मंडल जुड़ने से पहले इतना गिरे हुए थे, इतना गिरे हुए थे कि हम कह नहीं सकते हैं, ठीक है। जब हमने पढ़ाई 3 साल छोड़ दिया, उसके बाद हम फिर पढ़ाई शुरू किए तो कहने लगा कि तू पढ़ क्या करेगा, पढ़ के तू क्या करेगा। हम बोले पढ़ के क्या करेगा, अभी नहीं पता चलेगा, जब हम पढ़ के निकलेंगे तब तुमको पता चलेगा। कहने का मतलब है इतने यहाँ जो भैया बताते इतनी मन से कीजिएगा। पीडीसी में ऐसा आपको बताएंगे, पीडीसी में आपको बताते हैं कि भैया बोलते हैं कि यहाँ से आपको पोटेंशियल दिया जाएगा, सप्ताह में चार्ज किया जाएगा और नीचे जाके आपको खत्म हो जाएगा। पीडीसी करने के बाद यहाँ जो बताएंगे आपके दिमाग में बिल्कुल रुकेगा। कहते हैं ना कि बकरी को अगर चढ़ जाता है ऊपर से तो क्या होता, वो पौधा नहीं फलेगा, लेकिन आपको बकरी से चढ़ने के लिए बचाया जाएगा, 5 क्लास जो देगा 10 राउंड से आपको बंद कर दिया जाएगा, तब आप ऊपर उठिएगा। इतने मन से उठिएगा कि दुनिया में कोई पैदा नहीं लिया। आप जब भी बैठिएगा पढ़ने के लिए दिमाग तो आपको बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है, अलग अगर मन भी भटकेगा नहीं, ठीक है। एक मैं स्लोगन सुना देता हूँ, किसी क्या फर्क है खुदा और पीर में, क्या फर्क है किस्मत और तकदीर में, अगर कुछ चाहो और न मिला तो समझना कुछ और अच्छा लिखासी हुआ मंडल के तकदीर में। सभी भाइयों को मेरा सादर प्रणाम। मैं जब पटना में पहली बार आया था तो मैं एक दोस्त के जरिए यहाँ पर युवा प्रकोष्ठ में आया। मुझे पता नहीं था, उसने बोला कि यहाँ पर आईएएस ऑफिसर लोग आते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर लोग आते हैं, तो सोचा कि हम देख गरीब परिवार के लड़के हैं, गांव से आए थे, अफसर कैसे होते हैं इतने देखते हैं उनको, कैसे लोग होते हैं, उनका कैसा बिहेवियर होता होगा, उनको देखने के लिए हम यहाँ पर आए। और जब यहाँ पर आए तो मुझे यहाँ का बहुत जो यहाँ पर बात करने की शैली है, जो विभक्ति होती है, वो बहुत मुझे पसंद है और मैं यहीं का होकर रह गया। जब मैं बाल संस्कार शाला में पढ़ाता था तो लोग जो उस रास्ते से गुजरते थे वो हमको पहचान देते थे और बोलते थे कि तू बाल संस्कार शाला में पढ़ाता था, बोले कि हाँ, तो पैसा वैसा मिलता है, बोले कि नहीं ऐसे ही करते थे। तो ऐसे बात करके एक बार हिंदुस्तान वाले ने मेरा फ़ोटो भी छाप दिया और स्वभाव से मेरे गाँव वाले सब लोग फ़ोटो देख लिए पेपर में। तो जब गांव जाते थे तो बोलते थे तू बाल संस्कार चला पढ़ाता है तो पैसा भी मिलता होगा, लेकिन नहीं ऐसे कैसे हो सकता है यार, से बाल संस्कार से पढ़ाते हो तो ज़रूर पैसा मिलता होगा, तुम्हारा नाम भी है, लेकिन कुछ नहीं मिलता है। तो मैंने वहां से सीखा, जो औरों के लिए जीता है, जो औरों के लिए मरता है, उसका हर आंसू रामायण और हर कर्म ही गीता है। तो मैं वहां से अपने आप को बदलना शुरू कर दिया। मैं पहले बहुत गंदा लड़का था, अपने पास पहले आता था गांव, जब गांव से आया था तो सबसे पहले गांव के जो लोग आते हैं यहाँ पर तो वो लोग सबसे पहले मोबाइल लेते हैं और उस पास जो 10 रुपये का सिम मिलता है वो लेते हैं, और उसके बाद वो मिस कॉल मारते रहते हैं यहाँ वहाँ, और किसी लड़की को मिस कॉल मारते हैं, लड़के को नहीं, अगर कोई लड़का उठा लेता है तो वो दूसरे बात बदल देते हैं, और लड़की रहती है तो बात। मैं भी वैसे ही कर रहा था, लेकिन जब यहाँ बाल संस्कार शाला पढ़ाने लगा तो मेरा यह छूट गया और मैंने यह जाना, कर्म के कुरुक्षेत्र में न रूप काम आता है, न झूठ काम आता है, न बाप का नाम काम आता है, न जाति काम आती है, बस सिर्फ ज्ञान, ज्ञान ही आपको अपना हक दिलाता है, और मैं ज्ञान के पीछे भाग रहा हूँ। थैंक यू। थैंक यू सभी भाइयों को हमारी तरफ से प्रणाम। हम पीडीसी कोर्स तो नहीं किए हैं, लेकिन हम यहाँ पे बराबर हर एक संडे को आने से हमें जो प्रभाव हुआ है वो हम बताना चाहेंगे। सबसे पहले जब हमने पटना आया था तो हमें इस चीज़ की जानकारी नहीं हुई थी, तो मैं एक दोस्त हमारा निराला, ये हमारे दोस्त हैं, उन्होंने हमें बताया और बोले खड़े हो जाएंगे निराला, खड़े हो जाएंगे, वो हमारे दोस्त हैं, इन्हें
मुझे यहाँ बुलाया कि आप अगर वहाँ आते हैं तो आप में बहुत सारी परिवर्तन होगा। यानी कि इन्होंने बोले कि आपकी ज़िंदगी अगर इस रो में जा रहा है तो आप यू टर्न ले लीजिएगा, 90 डिग्री का टर्न ले लीजिएगा। यानी आप कभी सोच नहीं सकते हैं, वो काम करने के लिए तैयार हो जाइए। आप में वो जुनून पैदा नहीं होगा, वो जुनून पैदा हो जाएगा, वो जुनून जज्बा और जोश पैदा हो जाएगा कि कोई भी काम करने के लिए किसी का माँ का हिम्मत नहीं है कि वो रोक ले, एकदम अपने मुकाम तक चले जाइएगा। मैंने भी जब पटना आया था तो पहले बहुत सारे लड़कियों को कमेंट्स किया करता था, फ़ोन पे बात किया करता था, हर एक चीज़ अश्लील चीज़ देखा करता था, मूवी जाके देखा करता था, लेकिन हम में वो चीज़ निगलेक्ट हो गया। मैंने पता नहीं चला हमको कि आखिर कैसे किए हम। मुझे भी अगर कोई रिक्शा चालक कोई थोड़ा सा भी ठोकर लगाता तो मैंने उसे गाली दे दिया करता था पूरा। उसके बाद आज के ज़माने में क्या है कि अभी वर्तमान में क्या हुआ कि अगर कोई कुछ भी बोलता है तो हम चुप रहते हैं। पता नहीं क्या हुआ है हमें, ये प्रकोप क्या हुआ है हमको खुद नहीं पता चलता कि आखिर ऐसा क्यों हो गया, हम इतना कैसे सुधर गए हैं। और इतना ही कहना चाहेंगे कि इस गायत्री युवा प्रकोष्ठ के द्वारा मुझे बहुत सारी बदलाव हुआ है। मैं इतना सोच नहीं सकता था कि हमारे ज़िंदगी में इतना परिवर्तन हो सकती है, लेकिन इतना हद तक हो गया है कि आज चाहेंगे हम तो मुकाम हासिल कर लेंगे। मुझे इतना ही बोलूँगा। जय हिंद, जय भारत।